उठाईगिरी की टोली ने लोकमत चौक पर ड्राइवर को झांसा देकर इनोवा से 7 लाख रुपए तथा लैपटॉप उड़ा लिया। जमीन पर पड़े 70 रुपए उठाने के चक्कर में शुक्रवार की दोपहर ये वारदात हुई। 10 दिनों में ये छठी वारदात होने से पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रहाटी कॉलोनी निवासी वासुदेव जामदनी अपने बेटे को डॉक्टर के यहाँ इलाज के लिए ले गए थे। वो पेशे से सरकारी ठेकेदार है और घटना के समय अन्य ठेकेदारों को पेमेंट देने के लिए उन्होंने कार में रखी बैग में 7 लाख रुपए की रकम रखी थी। आनन फानन में पुलिस को सूचित किया गया। दिन दहाड़े 7 लाख रुपए की बैग लिफ्टिंग की जानकारी मिलते ही सीताबर्डी थाने से पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मामला दर्ज होते ही सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जाँच की गई तो 2 युवक बैग लिफ्टिंग करते हुए दिखाई दिए। तुरंत ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। त्याच्यामध्ये जे फिर्यादी आहेत ते त्यांच्या मुलाचं लोकमत बिल्डिंग या ठिकाणी एका डॉक्टरची अपॉइंटमेंट होती म्हणून त्या ठिकाणी आले होते। ड्रायव्हर गाडीमध्ये बसलेला होता। त्या ठिकाणी 3 इसम आले। त्यांच्यापैकी एकाने त्या ड्रायव्हरला सांगितले की खाली तुमचे पैसे पडलेले आहेत। तर त्यानुसार तो ड्रायव्हर दरवाजा उघडून खाली पैसे घेण्यासाठी खाली वाकला। त्यावेळेला 10-10 रुपयाच्या काही चिल्लर नोटा वगैरे त्या ठिकाणी होत्या। इन द मीन वाईल तोपर्यंत पाठीमागच्या साईडचा दरवाजा उघडून पाठीमागच्या सीटवर ठेवलेली बॅग ते चोरटे जे आहेत ते घेऊन गेलेले आहेत। सर किती आरोपी होते? आता CCTV फुटेज जे आहे ते आम्ही वर्कआउट करत आहोत। प्रायमा फेसी तर 3 जण दिसत आहेत, परंतु अजून जोपर्यंत पूर्ण CCTV मिळत नाही तर तोपर्यंत आत्ता काही निष्कर्ष सांगता येत नाही। सर टोटल मुद्देमाल किती गेला आणि फिर्यादीचं नाव काय? इनिशियली आता 7 लाख रुपये कॅश, एक बॅग, एक टॅब, काही कागदपत्र आणि काही चाव्या अशा प्रकारे मुद्देमाल चोरीस गेलेला आहे। फिर्यादीचं नाव?